हाँ भाई, कल अपन ने कहाँ तक कर लिया था? मुझे बताओ भाई, यहाँ तक 20 तक बताओ, कोई डाउट हो तो। अभी बेटा 20 तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। क्या 18 क्लियर है सभी को कि दोबारा बताने की जरूरत है? बेटा बेटा 18 क्लियर है कि दोबारा बताने की जरूरत है? ट्वेंटी क्लियर है तक सर। हाँ बोलो बेटा, 20 तक कोई बताना है क्या भाई? मुझे पता है 21 तो बताना है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए फिर 21 देखो आप। 21 बहुत आराम से करने वाली प्रॉब्लम है, इतना जल्दी नहीं होगा। देखो 1 माइनस, ये दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, फिर कर्ली ब्रैकेट इसकी पावर -1, फिर बड़ा ब्रैकेट उसकी पावर -1/2। अब हम क्या करेंगे इसमें, ब्रैकेट ब्रैकेट सोल्व करेंगे। पहले छोटा, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बट ये वाला ब्रैकेट, ये वाली चीज सोल्व करेंगे पहले। तो ये कैसे सोल्व होगा देखना। इधर पावर -1 का मतलब है 1/2। ये मैंने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, तो छोटा ब्रैकेट हट गया भैया। इस सिस्टम में कोई डाउट? नो छोटा ब्रैकेट हट गया आपका, पावर -1 कर दी मैंने। अब मैं यहां एलसीएम ले रहा हूं भाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो यहां आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 की पावर -1। इस सिस्टम में कोई डाउट किसी को? बोलिए। अब नो देखो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब बेटा ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1। तो बेटा पावर -1 का क्या मतलब होता है? अभी बताया था, रिवर्स अपॉन में उल्टा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा कर दो, ये उल्टा कर दिया भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा कर दिया भाई। ये वाली स्टेप क्लियर है? यस सर। अब बेटा ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस प्लस। तो देखो ये प्लस हो गया, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1। इसमें कोई दिक्कत है इस स्टेप में? नो। फिर एलसीएम ले लिया बेटा आपने, ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगी, तो बेटा बचा 1/2 एक्स स्क्वायर की पावर -1। ये वाली स्टेप क्लियर है? यस सर। अब बेटा इस माइनस पावर को हटाना है, तो मैंने क्या बोला, कभी भी माइनस पावर हटानी तो उल्टा कर दो, 1/x² का उल्टा, एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और ये 2 और 1/2 मिलके कितना हो गया भाई? एक्स की पावर 2x, तो एक्स की पावर 1 हो गया। आया समझ में? यस। तो इस पूरी वैल्यू आ गई आपकी एक्स आ गई। अब बोलो भाई, अब ये इतना धीरे धीरे करना पड़ेगा तभी आएगा बेटा, वरना नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग टाइप की प्रॉब्लम है, इसको आपको ध्यान से देखना। ये 10 तो होने दे। बोलिए। यस सर। चलिए 21 के बाद 22 आ गया क्या? हाँ सर। यस सर। किसी को दिक्कत हो तो बोलो बेटा। 22 बेटा, 22 में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सर 24 में। 24 में क्यों, क्लास में करवाए तो है बेटा 24।
इससे कैसे दिक्कत आ रही है बेटा, 24 में तो आनी नहीं चाहिए। yes, देख इधर दोनों तरफ क्यूब कर दो, ये इधर भी पूरे का होल क्यूब कर दिया। इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम करवाई थी हमने। ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या बताया था फॉर्मूला, यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस बी ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी माइनस बी। तो बेटा पी की पावर 1/3 का क्यूब करो, कितना आ रहा है, पी की पावर 1 माइनस बी क्यूब पी की पावर माइनस 1 माइनस 3 ए बी, ए बी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। yes, sir. और ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, एक्स। तो बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x हो गया आपका पी माइनस पी की पावर माइनस 1, जिसको हम क्या लिखेंगे, पी माइनस 1/3। क्लियर है? यस। किसने पूछा था बेटा, क्लियर है? यस सर। चलिए 24 तक और कोई डाउट किसी को? नो बेटा, लिख लिया हो तो मैं इसको हटा दूं पूरे को। यस सर, हो गया। ठीक है, ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन बोलिए कौन सा बताएं। वैसे तीनों बता चुके हैं आप, फिर भी यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। 25, 26, 27 नो सर। 28, 29, 30 30 देखो इधर, 2 की पावर एक्स इक्वल टू 3 की पावर वाई इक्वल टू 6 की पावर माइनस जे। ट्रिक से बताऊं, मेथड से बताऊं? ट्रिक सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 into। अब ये सबकी पावर 1 आ रही नहीं आ रही? वन अपॉन इक्वल टू 1 upon + 1 upon। अब 6 की पावर क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस जेड आएगा। 2 की पावर क्या लिखा हुआ है, एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1 upon z। इधर ले आओ, आया? यस सर। आप करवा चुके हो ना? हाँ बिल्कुल करवा चुके हैं सर, मैंने के बराबर ले लिया था सबको। बेटा वो तो मेथड हो गया, मेथड से बता दूं, तू बोले तो ये ले मेथड से देख ले। यदि आपने के बराबर लिया तो मेथड हो गया, फिर 2 की पावर x इक्वल टू के है तो 2 का वैल्यू आ गया k की पावर 1/x, 3 का वैल्यू आ गया k की पावर 1/y, और 6 का वैल्यू आ गया k की पावर -1/3। अब 6 को लिख सकता है 2 into 3, तो 6 की वैल्यू रख दी k की पावर -1/z, 2 की वैल्यू रख दी k की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाय k की पावर 1/1। ये दोनों k की पावर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है। अब पावर को कंपेयर कर लिया आपने, सब कैसे के कट जाएगा, सब बात तो हुई होगी कैसे के कटा नहीं, हमने पावर कंपेयर की है बेटा। हाँ, तो ये आ गया 1/x + 1/y + 1/z = 0। ये मेथड है, ये ट्रिक है। अब जो आपको मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ट्रिक समझो, आपको वही काम आएगी, मेथड तो इतना लेंदी कौन करेगा। चलिए और कोई डाउट? नो सर। अब मुझे किसी ने, दो जनों ने मुझे डाउट लिख के भेजे थे, वो बताओ मुझे कौन कौन सा नंबर था। एडिशनल के डाउट लिख के भेजे थे भाई, एक सेकंड, किसी ने लिख के भेजे मुझे। 18 क्या मेरा शायद ऑफ है, क्या बोल रही मनस्विता,
ओ मनस्विता क्या बोल रही है। अमन और कनक, अच्छा खराब हो गया है। एट्टी, फिफ्टी, 54, 55, 59, ठीक है। 20 वाला बता दो, 20 वाला बता दो भाई, पीछे जाना पड़ेगा। चल वंस वंशी का ही पूछ रही है ना बेटा। एक मिनट ले, एक मिनट ले, रुक जाओ बेटा, ये पीछे वापस से जाने के लिए बोल रही है मुझे, 20 वाला बताने के लिए बोल रही है मुझसे। ट्वेंटी वाला देखो, जाओ भाई। टू की पावर 1/2, फोर क्या होता है? टू का स्क्वायर, टू के स्क्वायर की पावर 3/4। एट होता है टू का क्यूब, तो टू का क्यूब की पावर 5/6। 16 होता है टू की पावर 4 की पावर 7/8, और 32 टू की पावर 5 की पावर 7/4/10। 9/10 है, क्या लिख रहा है? 9/10 ही लिखा होगा कि होल पावर 4 है भाई। बाद में देखेंगे फिर होल पावर जो भी लिखा होगा उसको बाद में देखेंगे, पहले इनको अपन का क्लियर कर लेते हैं भाई। मैंने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो देखो 2 की पावर 1/2, ये कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 3/2, ये कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 5/2, ये कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 7/2, और ये कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 9/2 की पावर है आपकी 4, और उसकी होल पावर 3/25। अब पावर ऐड करो भाई, करते जाना। 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25, तो ये आ गया 2 की पावर 25/2। मल्टीप्लाई पावर है 4, और फिर है 3/2, 25। देखो ये 25 से 25 कैंसिल हुआ, 2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आ गया बेटा 2 की पावर 6, 16 नहीं है, 64, 64, तो क्या है ये? एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, 2 की पावर 64 क्या है? एक इंटीजर। मनसिता क्लियर है? और कोई डाउट इस वाली एक्सरसाइज में? अभी भी किसी को है तो बोल दो बेटा, अभी भी किसी को है तो बोल दो। नो सर। ट्वेंटी टू कनक, बेटा कनक, अमन, हाँ सर, तुम दोनों A3 में हो ना अभी? हाँ सर। और कोई है A3 में, इवनिंग वाले बैच में? मुझे लगता है एक वो था, वो पीयूष, वो आ ही नहीं रहा 2-3 दिन से, उसको फोन करना पड़ेगा, पीयूष तिवारी को। बाकी तुम तीन ही तो थे। तो अगले, हाँ अगले वीक से बेटा आपको मॉर्निंग में मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। मॉर्निंग में फ्री तो हो तुम? हाँ सर फ्री हूँ। 8 से 9, थोड़ी सी जल्दी होती है, 8 से 9 अटेंड करनी है बेटा, ठीक है ना? मैं टाइम में, मैं डे बता दूंगा, मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्यूसडे से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? ठीक सर।
चलिए देखो इधर 22 एक्स की पावर एन एन माइनस वन बाय एन की पावर वन अपॉन एन प्लस वन एक्स की पावर एन एलसीएम लो बेटा यहाँ एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन इंटू वन अपॉन एन प्लस वन और ये भी मल्टीप्लाई में है तो देखो एन से एन कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा हो गया अच्छा एन स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर क्या होते हैं एन प्लस वन से एन प्लस वन तक कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ बेटा हो गया क्या आ गया आंसर एन माइनस क्लियर है यस सर बोल आपने एडिशनल क्वेश्चन थोड़ी दिए थे करने को अरे तो लोगों ने कर लिया तो करो ना तुम कहाँ दिक्कत आ रही है मतलब अभी आपने नहीं दिए ना बाकी ये पूछा अब दे दिया अब कर लो ठीक है भाई कोई है जिसने मुझे ये भेजा हुआ है ये प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन किसी ने भेजा हुआ है तो कोई है कि यहाँ पर वो जिसने भेजा है बताने के लिए माधव क्या दिक्कत आ रही प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आज की कीमत एक मिनट ले बेटा इसको ये भी बता देता हूँ ताकि ये यहाँ क्लियर हो जाए व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज वन टू बी रिसीव्ड आफ्टर टू इयर्स भाई एक रुपए आपको दो साल बाद मिल रहा है बेटा वो यूं बोल रहा है एक रुपए कब मिल रहा है माधव एक रुपए कब मिल रहा है दो साल बाद तो दो साल बाद एक रुपए मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब उसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है 10% है निकाल इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.21 अरे 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 पी की वैल्यू बता बेटा 0.826 बस 0.826 मतलब 0.83 पैसा हो गया सर आपने ये वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करा है सर बेटा सीधा सीधा अमाउंट वाला फॉर्मूला तो इसमें मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट वाला फॉर्मूला लगेगा क्या 100% इसमें एन्यूटी कहाँ दिख रही तेरे को कहाँ लिखा हुआ है मैंने क्या बोला दो चीज देखो आप एक तो देखो ईच ईयर लिखा हुआ है कि कहीं एक कहीं एन्यूटी लिखा हुआ है ये दोनों में कहीं लिखा हुआ है क्या नहीं तो फिर तो फिर वो थोड़ी लगेगी आई बात समझ में ठीक है सर चलिए आगे देखो बेटा आज तो मुझे लग रहा है कि अपन के यही डाउट ही सोल्व हो पाएंगे बस लास्ट वाला पार्ट अपन मंडे को ही कंप्लीट करेंगे इसका हाँ सर क्योंकि डाउट ही अभी टाइम लग जाएगा डाउट चलिए 1 to 9 में किसी को डाउट आप बोलना बेटा वो तुमने लिख के भेज दिया वो ऊपर चला गया कहीं तो आप तो 1 to 9 में कोई डाउट जिसने किए उनके लिए बोल रहा हूँ बेटा जिन्होंने नहीं किए वो आप देखो कि कैसे कर रहे हैं सेकंड पेज 10 से लेकर 19 तक कोई 18 देखो 18 एक्चुअल में क्या है बेटा इधर समझो ये बोल रहा है ये 1 कब आएगा जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी वो यू पूछ रहा है आपसे ये 1 कब आएगा वो रिड्यूस टू 1 मतलब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए ये इक्वल टू 1 आना चाहिए कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तभी 1 आ सकता है तो ये तो आपको डायरेक्ट देखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तब जाके ये 1 आएगा तब जाके ये 1 आएगा
तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, बट सोल्व करने का तरीका ये है कि सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा। ये तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, इस वाली प्रॉब्लम। चलिए 18 के बाद बोलो, या मैं सोल्व करके भेज दूंगा, फिर वो लेंथी पड़ेगा। कोई ट्रिक नहीं है, नहीं है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तभी होगा ये, वरना हो ही नहीं सकता ये भाई। एक्चुअल में क्या है, एक्स की पावर बी, इसको आपने वन अपॉन एक्स की पावर सी लिखोगे आप। यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये एक्स की पावर सी हो गया, ये एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी बी प्लस सी हो गया, ये वन हो गया और ये एक्स की पावर सी हो गई, ऐसा आएगा। अब यदि b प्लस सी जीरो है, समझना, यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो मैं b प्लस सी की जगह माइनस ए लिख सकता हूं, यहां इस b प्लस सी की जगह माइनस ए लिख सकता हूं, तो वो तीनों वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। डिनोमिनेटर और ऊपर भी सेम आ जाएगी, ये वैल्यू सेम करनी पड़ेगी आपको। चलो मैं इसका पूरा सोल्यूशन बना के भेज दूंगा, चिंता मत कर, छोड़ो उसको। अगला 18 इस पेज में, और देखना बेटा, सभी देखना प्लीज। ये डिवाइड है बेटा, तो क्या लिख रहा है ये, एक्स की पावर ए अपॉन ए माइनस बी लिख रहा है ना, डिवाइड बाय एक्स की पावर ए अपॉन, क्या लिख रहा है मेरे को नहीं दिख रहा भाई, ए प्लस बी लिख रहा है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कर लो, उल्टा हो गया, एक्स की पावर बी अपॉन बी प्लस ए और अपॉन एक्स की पावर बी अपॉन बी माइनस ए। हाँ बोल। अरे बोल ना बेटा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, बोल। अरे यार मैंने सही लिखा, मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा ना। अच्छा मुझे लगा आप कह रहे ना क्वेश्चन, ठीक है अब समझ में आ गया। यस सर। अब देखो इधर, ये ऊपर लेके जाओ, x की पावर a अपॉन a माइनस b अपॉन b माइनस a, और ये नीचे लेके आओ, x की पावर a अपॉन a प्लस b माइनस b अपॉन a प्लस b की पावर a प्लस b। यहां तक कोई दिक्कत? ये पावर ऊपर ले गया और ये पावर नीचे ले आया, कोई दिक्कत? नो सर। बेटा ये b माइनस a को a माइनस b बना लो क्या? यस सर। कैसे बनेगा? माइनस कॉमन लेंगे, कॉमन ले तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया बेटा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी ऊपर। क्लियर? अरे भाई माइनस यहां से कॉमन लेगा तो माइनस और माइनस प्लस, और ये ए माइनस बी आ गया, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आया कि नहीं आया? यस सर। रुको, नहीं आया तो वही रिपीट ही कर रहा हूँ, मेरी अम्मा तो जा। ये देख ऐसे, ऐसा है ये, माइनस और माइनस प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब ठीक है? यस। अब ए माइनस बी एलसीएम आ गया तो देख ऊपर आ गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ रहा है, और नीचे आ रहा है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ रहा है। यस सर। अब इसको ऊपर ले जा, एक्स की पावर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस, यहां तक आ रहा है? हाँ सर आ रहा। अब एलसीएम ले ले,
एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए। एक काम करो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिखो, वही का क्योंकि ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, और ये पावर मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन ए प्लस बी। कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन नहीं है बेटा, ए प्लस बी है। ऊपर ऊपर अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी दोबारा बता दूं, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो गया तेरा, कैंसिल, तो आंसर तो नन ऑफ दी जाएगा मस्त, इन तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा। यस, क्योंकि ऊपर मैं बता देता हूँ, ऊपर सोल्व करेगा ना जब तू, तो ये आएगा टू ए बी और टू ए बी, फोर ए बी अपॉन ए माइनस बी, ये फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा इसका। आंसर क्या दे रखा? और आंसर क्या दे रखा है? None of the above, वही आएगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब समझ में आया ये बताओ। आ गया सर भाई, इतना कैलकुलेशन करनी तो पड़ेगी इस वाली प्रॉब्लम में, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने क्या किया मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, ये लिख दिया, फिर ये a अपॉन a माइनस बी है तो इसको ऊपर ले गया मैं, तो माइनस b अपॉन b माइनस a, और इस वाले को नीचे लिया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस b अपॉन a माइनस b, इसको एज इट इज लिखा रहेंगे। अब यहां पर a माइनस b एलसीएम आ गया तो a प्लस b अपॉन a माइनस b आ गया, और नीचे आ गया a माइनस b अपॉन a प्लस b आ गया। अब इस पूरे को ऊपर ले गया क्योंकि ये x की पावर है, तो ये आ गई आपकी पावर, यहां से एलसीएम ले लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, और पावर a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, इस तरह से आएगा। चलिए 26 के बाद बोलिए, 26 के बाद 46, अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, एक क्लास बाकी है ना, ये उसी कंसेप्ट का है, ये सारे आगे के जितने भी हैं 44 से लेकर, अभी मत पूछो, ये लास्ट क्लास के बाद पूछना मुझसे, 44 से लेकर 60 तक, इस बीच के क्वेश्चन अभी मत पूछना कोई भी, 44 टू 60 ये लास्ट वाली क्लास के क्वेश्चन जो मंडे को होगी। और बोलो, और बोलिए यार माधव, 85 में कैसे बता दूं अभी, तेने पढ़ रखा है, इन्होंने थोड़ी पढ़ रखा है लॉगरिथम, है बेटा हाँ बिल्कुल, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जब तक लॉगरिथम कंप्लीट नहीं होगा, चाहे तो तू अलग से पूछ लेना मुझे, कल सुबह आए क्लास में तो तब पूछ लेना, अलग से तू कभी पूछ मुझे, लेकिन अभी क्लास में यहाँ इस वाली क्लास में मत पूछ, क्योंकि इस वाली क्लास में पूछेगा तो और लोग तुझे भी गाली देंगे और मुझे भी दे रहे होंगे, सिंपल सी बात है, वो तो अभी भी दे रहे होंगे कि यार ये अभी डाउट कैसे पूछ रहे हैं, अभी तो हमने किया ही नहीं। चलो ठीक है भाई, और कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, चलो चालू कर रहे हैं भैया। आ जाइए भाई, मैं मंडे वाली क्लास अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भागा तो नहीं है ना कि भाग गया सर? मंडे को करना सर स्टार्ट,
यार, तो फिर क्या कर रहे हैं अभी? अभी क्या कर रहे हैं? बस आज की क्लास इतनी सी? सर वो थोड़े और सवाल करना बाकी, जो करेंगे ना तो मंडे से कर लेना स्टार्ट। तो अभी क्या करूं मैं, छोड़ दूं क्लास? इंडिसेस कंप्लीट करा दो। कौन सा इंडिसेस? अभी अभी मैं कंप्लीट नहीं होगा बेटा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अभी अभी मैं कंप्लीट नहीं होगा इंडिसेस। जितना करा दो उतना हो जाए। तो मैंने तो मना किया ही नहीं, मैंने कब मना किया? जो मैं तो चालू कर ही रहा था ना। तुम भाई 10 मिनट है, मैं तुम्हें, चलो मैं तुम्हें जनरल आइडिया दे देता हूँ, छोड़ो ठीक है, करेंगे क्वेश्चंस अपन मंडे को ही। अभी जनरल आइडिया दे, जनरल आइडिया है, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अरे हाँ वंशिका रुक तो जा, 2-3 चीजें तो बता दें दे यार, नाराज की हो रही है। देखो इधर, अंडर रूट ऑफ 3 + √2, इसका वैल्यू है आपका √2 − 1। ये वैल्यू आपको याद करनी है, तभी अगली क्लास स्टार्ट करूंगा। 3 − √2 ये होता है √2 − 1, यही काम आएंगे आपके। अंडर रूट ऑफ 7 + √3, 2 + √3, और अंडर रूट ऑफ 7 − √3 ये आ गया 2 − √3। अंडर रूट ऑफ 5 + √6, √3 + √2, अंडर रूट ऑफ 5 − √6, √3 − √2। कैसा आता है ये वो अभी बता दूंगा मैं। अंडर रूट ऑफ 11 + √30, √6 + √5, और अंडर रूट ऑफ 11 − √30, √6 − √5। अब ये जितनी भी वैल्यू है आपको, देखो ये दोनों का पेयर एक है, ये दोनों का पेयर एक है, ये दोनों का पेयर एक है, और ये दोनों का पेयर एक। यदि प्लस आ रहा है तो √2 + 1 आएगा, 3 − √2 आ रहा है तो √2 − 1 है, प्लस आ रहा है तो 2 + √3। अब इन चारों की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, यदि मैं कभी ऐसे लिखूं 1 / √3 + √2, तो बिना आंख बंद किए हुए ये लिख देना, बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि √3 / 5 − √6 की पावर −½, तो आप बिना देखे समझे √3 + √2 लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात। यदि माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, उल्टा हमेशा सही रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपसे बोला 1 / 11 + √30, इलेवन माइनस टू रूट थर्टी, तो ये वैल्यू आ गई 11 − √30, आया समझ में? क्लियर? तो ये चार कंसेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे अगली क्लास के लिए, अगली क्लास के लिए ये चार कंसेप्ट आप याद कर लीजिए, और इसी पर बेस है आगे की जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब इन चार क्वेश्चंस, जो चार मैंने लिखवाए हैं इन्हीं पे बेस है। अब ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा, 3 + √2 किसका स्क्वायर होता है, √2 + 1 का स्क्वायर होता है। या रूट ऑफ 3 करके बता दो क्या बेटा, एक सॉल्व करके भी बता दो कैसा है। चलो एक सोल्व करके बता देते हैं, 11 + √30, 30 होता है 5 × 6 बेटा, ये 30 होता है, ये 30 आ रहा है, ये 5 × 6 है, तो मैं इसको 5 + 6 + √30 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 11 बोलो यस।
फाइव क्या हो गया, रूट फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर प्लस, बेटा बंद होने वाली है मीटिंग, बंद होने वाली है, तो प्लस टू रूट सिक्स।